आज बनाते हैं तंदूरी चिकन। तो तंदूरी चिकन में हम सबसे पहले डालेंगे 2 भर के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। एक आधा कटोरी दही, उसके बाद टेस्ट अनुसार नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, ये फूड कलर, थोड़ा सा गरम मसाला, ये है मीट मसाला, चाट मसाला। तो उसमें डालना 1 नींबू, एक नींबू डालना है, मैंने एक में से इतना नींबू बचा लिया क्योंकि चाट मसाला भी डाला तो ज्यादा खट्टा ना हो उसके लिए। उसके बाद हम इसको करते हैं मिक्स। इसको हमें अच्छे से कोट करना है ताकि अंदर तक मसाला इसके अंदर, और मैंने चिकन में ऐसे कट लगा लिए ताकि अंदर तक मसाला चला जाए। और मैं इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको ऐसे ही मैरिनेट करके छोड़ दूंगी, उसके बाद पकाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको पकाना है। तंदूरी चिकन को 2 घंटे हो गए मैरिनेट के लिए, तो अब इसको हम पकाते हैं। तो उसको कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया, उसमें हमें सारा ही मिक्स करना है। ऐसे इसको बनाते रहना, हमें जब तक इसका पानी जल ना जाए तब तक इसको पकाना है। अब इसे हम ढक देंगे, ढक के हम इसको पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो काफी हद तक पानी जल जाए तो हम और अच्छे से भून लेंगे ताकि थोड़ा सा है और भी पक जाएंगे। उसके बाद हम इसको गैस पे सेकेंगे। तो हमने इसको कढ़ाई में से निकाल के जाली पे ट्रांसफर कर लिया, और ये वाली जाली बाजार में आपको कहीं से भी मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी ले लेना। इसको हमें ऐसे ही भूनना है, चारों तरफ से घुमा घुमा के इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसमें तंदूरी वाला फ्लेवर आ जाए। चारों तरफ से इनको ऐसे घुमा के अच्छे से भून लेना है, बिल्कुल बाजार जैसा ही तंदूरी का फ्लेवर आएगा। हमारा तंदूरी चिकन बन के रेडी है। खाइए और खिलाइए और बताइए कमेंट में कैसे बना था।